सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि सभी को पता ही होगा, मैं हूँ पिंकी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने घर कोलकाता। हाँ, और अभी शायद 4:30-5 बजे होंगे और हम लोग निकल चुके हैं। मैं और मम्मी जा रही हूँ। तो पीछे देखिए, रुकिए, मम्मी आ रही है और उधर पीछे दो मेरा मुटियारी है। मुटियारी क्या बोलते हैं पता नहीं, बंगाली जी, मतलब बंगाली में जी बोलते हैं ना, कूली जो सामान मतलब लाते हैं। तो मेरा दो मुटियारी वो जो ला रही है सामान, आगे भी जा रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ, देखिए आगे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं पहुँचाने, मतलब गाड़ी चघाने यहाँ तक रोड तक। फिर उधर से वो डायरेक्ट बस स्टैंड है, हमारे मम्मी जाएंगे। तो लास्ट टाइम के लिए यहाँ का व्यूज दिखा देते हैं, नेचर दिखा देते हैं। अब तो शायद दिवाली में आएंगे तभी अब दिखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लीजिए। तो हम लोग घर से निकले और बारिश स्टार्ट हो गया, मतलब घर से निकलने से पहले ही हो गया था स्टार्ट। लेकिन थोड़ा देर वेट किए, फिर 5 बजने वाला था तो फिर उधर लेट हो जाता, तो ऐसे ही बस बारिश में निकल पड़े हैं। हम लोग छाता भी नहीं लाए हैं घर से, मतलब कोलकाता से। तो ये शायद इनिशा का छाता है, मम्मी लक्की का छाता ली है। तो ऐसे ही जाते हैं रोड तक, तब फिर देखा जाएगा क्या बारिश आता है कि क्या होता है। खुश रहे, खुश रहे, टाटा। जब थोड़ा चढ़ गए। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, बिंजू पाड़ा बोलते हैं यहाँ पे। और ये निशा भी आई है और इधर छोटी भाभी भी है। वो लोग मतलब बस कुछ खरीदना था उन लोग को, तो यहाँ से खरीद के वो लोग घर चले जाएंगे और हम लोग यहाँ से मतलब रांची जाएंगे, वहाँ से फिर बस पकड़ेंगे। तो मम्मी उधर भुट्टा ले रही है घर के लिए और फिर टमाटर भी ली उधर से। तो यहाँ पे एक बाजार मतलब चौक जैसा है, जो बताई थी उस दिन कि चौक है, तो ये बिंजूपाड़ा चौक है। यहाँ पे मतलब सब्जी वगैरह ये सब बेचते हैं। तो यहाँ से मम्मी लेते जा रही है घर के लिए, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा दाम होता है इसलिए। तो हम लोग बस अभी आए बस स्टैंड पे और आते आते बहुत ट्रैफिक था तो इसलिए बहुत लेट हो गया था, लेकिन अभी तक बस छूटा नहीं है। और भैया देखिए, भैया आए हैं छोड़ने। जब हम लोग जिस दिन उतरे थे उस दिन भैया लेने भी आए थे और आज छोड़ने भी आए। इधर मम्मी खड़ी है, तो अभी अभी जस्ट चाय पिए। और बस स्टैंड में आपको मतलब जहाँ भी जाना होता है यहीं से बस पकड़ते हैं सभी लोग। सब किस्म का बस यहाँ पे मिल जाएगा, कोलकाता फिर पटना, कहीं भी आपको जाना हो तो। और यहाँ से चाय पिए, बहुत अच्छा चाय मिला। मतलब यहाँ रांची आए थे तो फिर अच्छा चाय कहीं नहीं मिला था, बस यहाँ पे पिए तो लगा कि यहाँ कोलकाता का चाय पी रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे उस बस से जो अनुष्का लिखा है, वो उस बस से यहाँ पे सारा बस जाता है ऑलमोस्ट कोलकाता। लेकिन हम लोग को तो एग्जैक्ट मतलब बाबूघाट नहीं जाना है, सिंगर मोड़ जाना है, तो इसीलिए वही बस जाता है सिंगर मोड़ से, मतलब उस साइड से जाता है तो सिंगर मोड़ उतार देते हैं। तो हम लोग का तो बस अभी छूटा जस्ट, तो रांची से जा रहे हैं, बहुत सारे मेमोरीज लेते हुए। तो फिर से आएंगे, फिर से बहुत मेमोरीज ताज़ा करेंगे, नया मेमोरीज बनाएंगे। तो बहुत इतना दिन थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से मतलब दिन बिताए। तो फिर अभी तो शायद यहाँ पे लाइट नहीं है, तो उस रोड में कुछ लाइट है, उसी लाइट से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो पता नहीं अब उसके बाद कब बात होगा आप लोग के साथ। तो शायद लग रहा है कि जब बस रुकेगा खाना खाने के होटल में, तभी बात कर पाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। Think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always. So, अभी गाड़ी रुका है रामगढ़ में आके, यहाँ से भी पैसेंजर चढ़ते हैं इसलिए। और मम्मी देखिए भुट्टा खरीदी है, तो ये छोटू सा बाबू भुट्टा बेच रहा था। वीडियो मनाएगा Do I feel so useless? I feel diluted. My heart's been wounded. तो अभी बजा है 2 और गाड़ी यहाँ पे एक ढाबा टाइप है, वहाँ पे रुका हुआ है खाना खाने के लिए। कुछ खाना नहीं खाए तो बस क्या खाएंगे। चाय भी पीने वाले थे हमारे मम्मी, लेकिन चाय भी नहीं पी, कैसा बने कैसा नहीं बोले। तो बस सभी लोग उतरे खाना खाने, उसके बाद फिर से जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी जस्ट उतरे और पापा लेने आए हैं। देखिए पापा स्कूटी, मेरा ही स्कूटी लेते लेने आए हैं।
तो पूरा रात तो अच्छे से नींद भी नहीं हुआ, तो घर जाते उसके बाद फिर बात करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ। मैं सुबह का 7 बजे पहुँची थी, लेकिन इतना मैं मतलब टायर्ड हो गई थी और इतना मतलब नींद लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। घर आके मैं सो गई थी, तो फिर मैं मतलब कुछ वीडियो भी नहीं बना पाई। जस्ट अभी शायद 4:30 बज रहा है, अभी जस्ट उठ के खाना खाया, उसके बाद फिर फ्रेश हुई। मतलब इंसान कहीं भी रह ले, लेकिन आखिर में उसको मतलब अपने घर ही आना पड़ता है। तो मेरा भी वही हाल है, मैं मतलब इतना दिन घूम के आई, अब घर तो मुझे आना पड़ा। अब घर आके लग रहा है कि मैं कहीं नहीं गई थी, बस यही थी। मतलब उतना दिन जाके मैं रही, कुछ मतलब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है कि मैं उतना दिन जाके रही हूँ, गई थी, ऐसा कुछ भी फील नहीं आ रहा। लग रहा था कि मैं यही थी, घर में ही थी। ये लोग बहुत बक बक करते हैं, मेरा मतलब वीडियो बनाने नहीं देते हैं, मेरा वीडियो पूरा ख़राब कर देते हैं। मैं लोग को बोली कि चुपचाप रहो, लेकिन फिर तो मैं जिधर भी जाती हूँ मौसम खराब हो जाता है। देखिए इधर भी बारिश हुआ अभी अभी, मतलब थोड़ी देर पहले। तो मम्मी कुछ मतलब खाने की चीज लाई थी, जैसे कि भुट्टा, फिर टमाटर, तो उस सबको हम अभी जाएंगे देने। मतलब भैया जो मतलब जी लोग को देना है, रिलेटिव वगैरह, उन लोग को देने जाएंगे, तो मम्मी को लेते जाएंगे। तो फिर हम जाते हैं, उसके बाद फिर आके बात करते हैं। तो मैं और मम्मी जस्ट अभी आए दे के, और इतना रिलेटिव है, मतलब मम्मी जस्ट लाई थी शायद 6 किलो, क्योंकि टमाटर भी था, तो फिर उतना सामान हम दोनों कैसे लाते, फिर हम लोग का अलग से लगेज भी था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाए। तो 6 किलो लाए थे, तो मतलब सारा देते देते पूरा ख़त्म हो चुका है। घर के लिए एक भी नहीं, शायद एक बचा है पापा के लिए, और हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं। वो एक बचा, उसी को मतलब पापा और पियासा खाएंगे, और हम लोग मतलब जिस दिन आए थे, मतलब कल रात को हम और मम्मी खाए थे, तो इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे, उसी को पापा और पियासा को दे देंगे। मतलब मम्मी बोल रही थी अगर बस्ता भर के, मतलब बोरा भर के एक बोरा लाएंगे ना, तभी सब लोग का मतलब होगा, नहीं तो फिर ऐसे 6 किलो 7 किलो लाने से कुछ नहीं होगा। इतना मतलब इतना परिवार है, इतना मतलब सब पसंद करते हैं भुट्टा, क्योंकि इधर भुट्टा नहीं होता नहीं, इसलिए। तो अभी मैं खाऊंगी सिंघाड़ा, तो मैं खा रही हूँ सिंघाड़ा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको मिस की थी। मतलब जब भी बाहर कहीं जाते थे बाजार वगैरह, तो भाभी लोग खाते थे सिंघाड़ा, तो उसमें तो प्याज लहसुन वगैरह रहता है, तो इसलिए मैं नहीं खाती थी। तो मिष्टी दुकान का सिंघाड़ा मतलब मुझे बहुत ही याद आ रहा था इस चीज़ का। तो फिर आते ही मैं मतलब आज ही खाना इसको स्टार्ट कर दी। तो मम्मी आटा रेडी करके रख दी है, और मैं बनाऊंगी अभी रोटी और सब्जी। तो आप लोग देखिए मैं कैसा रोटी बनाती हूँ। तो एक रोटी बन गया है, अब दे दूंगी। तो मेरे घर में छोटा छोटा ही रोटी बनता है, वो भी पतला, क्योंकि पापा को मतलब छोटा रोटी और पतला मतलब रुमाली रोटी जैसा पसंद है, तो इसलिए पतला बनता है। मैं इस ओवन में नहीं बनाती हूँ रोटी, कभी भी बनाती हूँ तो छोटा ओवन बनाती हूँ, तो उसमें बनाऊंगी। तो फिर मोबाइल है इसलिए मैं बड़ा वाला बना रही हूँ, इसलिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है इसका मतलब फ्लेम कैसा है। Here's my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. तो मेरा रोटी बन चुका है, देखिए अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो सब्जी के लिए मैं कढ़ाई में तेल दे चुकी हूँ, बस बिना मसाला का आलू का सब्जी बनाएंगे। अब दे देंगे सूखा मिर्ची, अब देंगे आलू को। हम्म,
बस हल्का सा नमक और हल्दी देके इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई हो चुका है, अब दे देंगे पानी। तो आलू ऑलमोस्ट सीख चुका है, मतलब पक चुका है, तो उसको ऐसे कर देंगे एक दो। अब इसमें हल्का सा चीनी दे देंगे, देखिए बस हल्का सा। तो अब थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो अब इसको उतार देंगे, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मेरा सब्जी बन चुका है, अब जा रहे हैं खाना खाने, 10 बज चुका है। और इस सब्जी को हम लोग बंगाली में बोलते हैं आलू थेचकी, आलू चचड़ी, ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल रेसिपी है। अब जो बंगाली लोग जो देखेंगे मेरा वीडियो, वो भी बोलेंगे कि मतलब क्या ही है, आलू थेचकी का रेसिपी दिखा दी। लेकिन मैं डेली ब्लॉग देती हूँ तो जो बनाई वही चीज़ मैं दिखाई। तो ये मतलब घर घर में बनता है, रोटी के साथ खाने के लिए, मूढ़ी के साथ खाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे रहिए, खुश रहिए।